नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन दिक्कत साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस आजकल की बहुत कॉमन दिक्कत है, आमतौर पे बच्चों से ये शुरू होती है और बड़ों तक हो रही है। तमाम मरीज रोज क्लिनिक पर आते हैं, तो हमने सोचा कि ये बड़ी कॉमन दिक्कत है, इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे होना चाहिए, इसकी कारगर दवाएं यूट्यूब चैनल पे होनी चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट ये जान सके कि होम्योपैथी में वास्तव में साइनोसाइटिस को ठीक करने की दवा है और आपको यह सर्जिकल प्रोसेस से बचा पाने में समर्थ है। चलते हैं साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं साइनोसाइटिस होती क्या है। साइनोसाइटिस साथियों, आपके साइनस जो मेम्ब्रेन होती, कैविटीज़ होती है, उनके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। है क्या कि अपना जो यह स्कल होता है, यहाँ पे कैविटीज़ होती हैं जिसमें एयर भरी होती है। फ्रंटल साइनस होता है, मैक्सिलरी होता है, इथमाइड होता है, पैरा मैक्सिलरी होता है या साइनस होते हैं, इनमें एयर भरी होती है। जब आपके इन्फेक्शन हो जाता है कोई, तो इसमें एयर की जगह पर म्यूकस आ जाती है और वह म्यूकस जो है वह उन साइनसेस को ब्लॉक कर देती है, वहाँ से मूवमेंट जो हो रहा होता है फिजियोलॉजिकल उसको रोक देती है। उस कंडीशन में जो आपके साइनस की मेम्ब्रेन होती है उनमें सूजन आ जाती है। तो जब आपको मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है इन बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण, म्यूकस के कारण, तो फिर आप साइनोसाइटिस के शिकार हो जाते हैं। साइनोसाइटिस एक ठीक होने वाली बीमारी है। आज हम आपको इसको बताएंगे ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। साथियों, साइनोसाइटिस के 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप गेस कर लेंगे आपको साइनोसाइटिस है कि नहीं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी नाक बंद हो जाती है, यानी नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा सिम्टम होता है आपके लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, आपके जो सूंघने की शक्ति है वह ख़त्म हो जाती है। तीसरा सिम्टम होता है कि आपके नोज़ पे पेन होने लगता है, यहाँ पे पेन, आपको भारीपन महसूस होता है। यह अगर सिम्टम है तो यह एक साइनोसाइटिस का सिम्टम है। चौथा सिम्टम होता है साथियों, जब आपके थिक म्यूकस नाक से निकल रहा होता है और वह आपकी नाक को ब्लॉक रखता है। तो अगर यहाँ पे 4 सिम्टम है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको साइनोसाइटिस है। और इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है, आप एक एक्सरे करा लें PNSU स्कल का एक PNS करा लें, पैरानेसल साइनस का एक वो एक्सरे होता है, 350 रुपए का होता है। उसमें आपको लिख कर आ जाएगा आपको साइनस है कि नहीं और कौन सा साइनस है, और वह आपके DNS यानी डेविएटेड नेसल सेप्टम भी बता देगा और आपके नेसल पॉलिप को भी इंडिकेट कर देगा। जहाँ तक साथियों साइनस के कारण की बात है, साइनोसाइटिस के कारण की बात है, तो यह आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा DNS होता है जिसके डेविएटेड यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसके साइनस हो जाता है। उसके अलावा जिसके नेसल पॉलिप होता है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ होती है नेसल सेप्टम के बीच में, उसको भी साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस में छींकें आती हैं और आपको ख़ास तौर से सुबह और शाम जरूर आती हैं, और आप जिस करवट लेटते हैं उधर नाक बंद हो जाती है। यह सब साइनोसाइटिस को इंडिकेट करते हैं। और DNS या नेसल पॉलिप या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इसके कॉजेज होते हैं। अब साथियों, हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में 15 कारगर दवाएं जो आपके साइनस, जो कि एक बड़ी कॉमन बीमारी है, आपके बच्चे को ऑपरेशन से बचा लेगी और आपको या आपके बच्चे को या परिवार में जिसको भी उसका साइनस को ठीक करके एक नॉर्मल सामान्य जीवन दे देगी। दवा बताने से पहले साथियों, हम आपको बता दें यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि आपके सिम्टम इस बताए हुए सिम्टम से भिन्न भी हो सकते हैं और यह दवाएँ आपको नुकसान भी कर सकती हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको होम्योपैथी में साइनोसाइटिस को ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो होम्योपैथी में साइनोसाइटिस को ठीक करने की नंबर एक दवा है, वह है साइलीसिया। आज साइलीसिया मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, साइलीसिया 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर अगर आप वीकली देते हैं, उस स्थिति में जब आपकी नाक पूरी तरह बंद रहती हो, आपको साइनस रहता हो, आपको सर्दी बहुत लगती हो, तो
आपको यह साइनोसाइटिस से सलीसिया निकालने में समर्थ है। इसकी वीकली आप 3 खुराक लेते रहें, आप देखेंगे कि आपकी नाक भी खुलने लगी, आपकी छींकें भी कम हो गई, आपको सर्दी लगना भी कम हो गया और आप ठीक होने लगे। एक स्थिति आती है साथियों, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, कि सर्दी में साइनस की तकलीफ बढ़ गई। तो अगर आपको कोल्ड होने से या कोल्ड वेदर में साइनस की तकलीफ बढ़ रही है, तो उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा काली आयोड है। आप काली आयोड 6x की 4 टेबलेट दिन में 2 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके सर्दियों में या सर्दी होने पे, दोनों ही स्थिति में आपके साइनस की तकलीफ बढ़ रही हो। तो काली आयोड 6x पावर जो है, यह आपको इस तकलीफ से निकाल के आपके साइनोसाइटिस को ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। एक स्थिति आती है साथियों साइनोसाइटिस में, कि आपकी नाक पूरी तरह क्लॉग्ड हो गई, और जब नाक क्लॉग्ड हो गई तो आपके हेडेक होने लगा। खासतौर से फ्रंटल हेडेक होता है, ये जो फ्रंटल हेडेक होता है यह साइनोसाइटिस का करेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि फ्रंटल साइनस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उस स्थिति को ठीक करने की, उस सर दर्द को ख़त्म करने की कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते रहें, आप देखेंगे कि आपका पेन काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि साइनोसाइटिस के कारण आपको और क्लॉक नोज यानी नाक बंद होने के कारण आपको हो रहा है। एक कंडीशन आती है साथियों साइनोसाइटिस में, कि आपका बिल्कुल स्मेल चली गई हो, आपकी सूंघने की क्षमता ख़त्म हो गई हो। अगर यह कंडीशन आप में है, तो होम्योपैथी में इस कंडीशन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा, लॉस ऑफ स्मेल को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है लेमना माइनर। आप लेमना माइनर का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में 2 टाइम ले लें, आप देखेंगे कि जो आपकी स्मेल करने की, सूंघने की क्षमता है वो वापस आ गई, आपका स्मेलिंग पावर वापस आ गया और आप बिल्कुल ठीक हो गए। एक कॉमन कंडीशन जो साथियों आती है, वह होती है कि आपके म्यूकस हो रहा है और म्यूकस वापस आपके थ्रोट में चला जा रहा है, आपको खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा अजीब सा बदबूदार लग रहा है। वो स्थिति अगर साइनोसाइटिस में है, जो कि होती है, और साइनोसाइटिस की सबसे इफेक्टिव दवाओं में से एक काली बाइक्रोम है। अगर आपको साइनोसाइटिस है, तो आप सलीसिया के साथ काली बाइक्रोम 32-2 बूंद दिन में 3 बार डेली ले लें, आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिला साइनोसाइटिस में, और आप कहेंगे हफ्ते भर में सांसों को आराम होने लगा। तो काली बाइक्रोमेटियम साइनोसाइटिस की बहुत अच्छी दवा है उस स्थिति में, कि जब आपका बलगम जो है, जो आपका म्यूकस है, वो वापस आपके थ्रोट में जा रहा हो। फिर साथियों एक कंडीशन आती है जब आपके हरे रंग का बलगम निकल रहा हो, कोई जलन ना कर रहा हो, कोई तकलीफ ना दे रहा हो, लेकिन बलगम यानी नोज ही निकल रही हो। वह स्थिति अगर आप में होती है साइनोसाइटिस में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में और साइनस को ठीक करने की होम्योपैथी में उस सिम्टम पे बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आप। जब आपको प्यास बहुत कम लगती हो, आपके हरे रंग का स्पूटम म्यूकस आ रहा हो, नोज से नोजी आ रही हो ग्रीन कलर की, आपको प्यास ना लगती हो, और वह जो आ रहा हो नोजी, वो जलन ना कर रही हो, पूरी तरह से प्लेन ब्लैंड हो, तो आपकी दवा पल्सेटिला है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों साइनोसाइटिस में आता है, कि नाक पूरी तरह बंद हो गई, लेकिन नाक में रूखापन सूखापन बहुत है, ड्राइनेस बहुत है। तो अगर यह स्थिति आपके साइनोसाइटिस की कंडीशन में हो, कि आपका साइनस भी इन्फ्लेम्ड है, यह सब ब्लॉकेज भी है, साथ में आप के बहुत ड्राइनेस है नेसल मेम्ब्रेन में, अगर यह स्थिति है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सेम्ब्यूकस नाइग्रा है। आप सेम्ब्यूकस नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो है वह जो ड्राइनेस म्यूकस मेम्ब्रेन की, वह ख़त्म हो गई और आपको साइनस में भी राहत मिल गई। फिर साथियों कंडीशन आती है कि आपके राइट साइड हेडेक हो रहा हो, मतलब साइनस है आपको, राइट साइड दर्द हो रहा हो। अगर आपको राइट साइड दर्द हो रहा है साथियों, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका राइट साइड हेडेक ख़त्म हो गया और आपको साइनोसाइटिस में आराम मिल गया। और अगर साथियों यह आपका लेफ्ट साइडेड हेडेक हो, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा स्पाइजीलिया है। आप स्पाइजीलिया 32-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, उस स्थिति में जब आपके लेफ्ट साइडेड हेडेक हो, तो आपको सलीसिया आपके रेस्क्यू के लिए आएगी, स्पाइजीलिया आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक कर देगी।
फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपको साइनोसाइटिस हो और आपके पूरे चेहरे पे दर्द हो रहा हो, पूरे फेस पे दर्द हो रहा हो, यह कंडीशन अगर आपके है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा स्पाइजीलिया है। आप स्पाइजीलिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके पूरे फेस में जो पेन हो रहा है ड्यू टू साइनोसाइटिस वह पूरी तरह ठीक हो गया और आप अपने में राहत महसूस करने लगे। एक कंडीशन साथियों आती है कि आपको एलर्जीज हो और आप किसी भी धूल में जाते हो ठंडा तो आपके साइनोसाइटिस बढ़ जाता हो, अगर यह कंडीशन आप में है तो इसको भी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, उस एलर्जीज को भी ठीक करेगी और आपके साइनोसाइटिस को भी ठीक करेगी और दवा का नाम है साइनेपिस नाइग्रा। आप साइनेपिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी एलर्जीज भी ख़त्म हो गई, जिससे कि आपको छींके नज़ला जरा सा बाहर निकले और छींके नज़ला आने लगा वह स्थिति ख़त्म हो जाएगी और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे और आपका साइनस भी ठीक होने लगेगा साइनेपिस लेने के बाद। एक बड़ी अजीबोगरीब साथियों साइनोसाइटिस में कभी कभी बनती है कि मरीज के रात भर नाक बंद रहती है और दिन भर नाक बहती है। अगर यह कंडीशन किसी में साइनोसाइटिस में कि रात भर नाक बंद रह जाती है और दिन भर नाक बहती हो तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्सवोमिका है। हम लोग सब नक्सवोमिका को पेट के लिए जानते हैं मानते हैं और आप लोगों ने ली भी होगी, लेकिन यह साइनस की सबसे अच्छी दवा है। सपोज करिए कंडीशन आ रही है, डायर कंडीशन है जिसमें आदमी पे छींके आ रही हैं, नाक से पानी पे पानी बह रहा है और उसके ये दर्द चीक बोन्स पे दर्द है और वहाँ कौन सी एक दवा है जो उसको ठीक कर देगी। हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि नक्सवोमिका वो दवा है जो उसको ठीक कर देगी। आप 1000 पावर में नक्सवोमिका की एक खुराक दे दीजिए, आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर मरीज जो है हमारे क्लिनिक से तो हंसता खेलता खुश होता जाता है। आप भी ये दवा लेके बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका ये जो पिकुलर सिम्टम है कि रात भर नाक बंद रहती है और दिन भर नाक बहती है, यह दोनों सिम्टम ठीक होकर आपको साइनोसाइटिस को ठीक होने में हेल्प मिलेगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है साइनोसाइटिस में कि आपकी नाक पूरी तरह बंद हो गई, कुछ भी उसमें से नहीं निकल रहा है। अगर यह स्थिति आपके साइनोसाइटिस की कंडीशन में हो तो उस स्थिति से निपटने के लिए, ठीक करने के लिए और साइनोसाइटिस को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा स्टिक्टा है। आप स्टिक्टा पल्मोनेरिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका सारा नज़ला बह गया, वो जो अंदर बिल्कुल टाइट था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया और आपका नज़ला पूरी तरह बह गया, तो उस स्थिति में आपकी बहुत अच्छी दवा स्टिक्टा है। फिर एक कंडीशन आती है साथियों साइनोसाइटिस में कि छींके बहुत आती हैं, स्नीजिंग बहुत होती है, तो अगर आपको छींके बहुत आ रही हैं साइनोसाइटिस में तो छींके तुरंत रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। 2 दवाएँ हैं बल्कि, पहली दवा है सबैडिला और दूसरी दवा है अमोनियम कार्ब। सबैडिला 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें कि अगर आपको हर वक्त छींके आ रही हैं, और अमोनियम कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको छींक के साथ नाक से खून भी आने लगा, इपिटैक्सिस होने लगी, नोज से ब्लीडिंग होने लगी, वह कंडीशन अगर साइनोसाइटिस में है तो दवा अमोनियम कार्ब है, और अगर ना भी हो रही हो तो भी आप सबैडिला और अमोनियम कार्ब का कॉम्बिनेशन लेके अपनी छींकों को साइनोसाइटिस में तुरंत रोक सकते हैं। एक कंडीशन साथियों आती है साइनोसाइटिस में कि जो नाक से पानी बह रहा है वह बहुत जलन कर रहा है, जो नेसल डिस्चार्ज हो रहा है म्यूकस आ रही वह बहुत जलन कर रही है, और जैसे ही मरीज खुली हवा में जाता है उसकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है। तो अगर यह सिम्टम किसी में है और उसको साइनोसाइटिस है तो होम्योपैथी में उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको बाहर ताज़ी हवा में जाने में तकलीफ़ें बढ़ती हों, रात के 12 बजे के बाद तकलीफ़ें बढ़ती हों और जो आपके नाक से पानी निकलता हो वह बहुत जलन करता हो। फिर एक साथियों कंडीशन आती है कि पानी ऐसी नाक बह रही है, साइनोसाइटिस और पानी ऐसी नाक बह रही है, अगर यह कंडीशन आप में साइनोसाइटिस की स्थिति में हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा काली आयोडेटम है। आप काली आयोडेटम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी जो पानी ऐसी नाक साइनोसाइटिस में बह रही है वह ठीक हो जाएगी और आपको या आपके बच्चों को, खासतौर से बच्चों में आजकल बहुत साइनोसाइटिस हो रही है, उनको राहत मिल जाएगी, उनको आराम मिल जाएगा और साइनोसाइटिस भी उनका ठीक होने लगेगा।
एक कंडीशन साथियों आती है साइनसाइटिस में कि हर समय हल्का हल्का सर में दर्द बना रहता है। हम आपको एक्सप्रेशन से इसलिए बता रहे हैं कि बात आप जल्दी समझ जाएं, क्योंकि हम लोग का तो ये रोज़ का काम है, लेकिन आप शायद ये रोज़ का काम आपका ना हो, ये सुनना या समझना या करना। तो जो हल्का हल्का सा डल सा हेडेक आप में पड़ता है, उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है जलसीमियम। आप जलसीमियम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके अपने को ठीक कर सकते हैं। एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके साइनोसाइटिस हो और बहुत बदबूदार नोज़ी आपके निकल रही हो, बहुत बदबूदार म्यूकस नोज से आपके निकल रहा हो। अगर वह कंडीशन आप में है साथियों, तो होम्योपैथी में उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा पल्सेटिलानाइग्रांस है। आप पल्सेटिला 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आपका म्यूकस बहुत बदबूदार होता हो, आपका डिस्चार्ज बहुत बदबूदार होता हो और आप असहज महसूस करते हो। एक कंडीशन आती है साथियों कि जैसा कि अभी हम कॉजेज में भी कर रहे थे, बहुत बड़ा कॉज साइनोसाइटिस का नेसल पॉलिप होता है। यहाँ पे नाक में अंदर आउटग्रोथ होती है, इनग्रोथ होती है। तो अगर वह कंडीशन आप में हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा, जहाँ नेसल पॉलिप हो और आपको साइनोसाइटिस हो, तो उस पॉलिपस को भी ख़त्म करने की और इंटेंट साइनोसाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा ट्यूक्रियम मेरम वेरम है। आप ट्यूक्रियम मेरम वेरम, जिसको कि हम लोग शॉर्टली TMV कहते हैं, 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपके नाक में नेसल ग्रोथ हो और आप जिस करवट लेटते हो उधर की नाक बंद हो जाती हो, उधर की नोज ब्लॉक हो जाती हो, इधर लेटे तो इधर की नोज ब्लॉक, इधर लेटे तो इधर की ब्लॉक, यह कंडीशन अगर आप में है तो TMV यानी ट्यूक्रियम मेरम वेरम आपको ठीक कर देगी और आपको राहत दे देगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी आपके साइनोसाइटिस की बीमारी को ठीक करने की, आपके बच्चों को आराम देने की। खास तौर से बच्चों में आजकल ये बहुत हो रहा है। यह सब दवाएं बहुत कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बिना कुशल चिकित्सक से पूछे यह दवा ना लें, क्योंकि सिम्टम और दवा हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157683 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आपका साथियों, हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अगर यह आपको प्रयास हमारा पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर यूँ ही नए वीडियो पाते रहिएगा। बहुत कुछ मांग लिया आपसे, लेकिन आप अपने हैं इसलिए आपसे मांग लिया इतनी सारी जानकारी। तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट पोर्शन में लिख के अपनी बात भी हमारे सामने रखिएगा। आपका हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, बात को सुनने के लिए और इस वीडियो को बढ़ाने के लिए आगे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।